आज हम बात करेंगे पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया के एक खास ट्रीटमेंट के बारे में जिसका नाम है क्रायो एबलेशन। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया एक प्रॉब्लम है जिसमें लंबे समय तक दर्द रहता है हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन के बाद। इस विषय पे मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने विस्तार से जानकारी दी है, अगर आप चाहें तो उसको भी मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर मैं संक्षेप में बताऊँ तो होता यह है कि जब हमें बचपन में चिकन पॉक्स होता है तो उसका जो वायरस होता है वो हमारे शरीर में रह जाता है और वो नसों के अंदर निवास करता है। जब किसी भी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो इस वायरस को फिर से एक बार उठने का मौका मिल जाता है। ये नसों को डैमेज करता है और जिस नस को डैमेज करता है वो जहाँ जहाँ पे जाती है वहाँ वहाँ पे रैश आता है, और जब ये हीलिंग होती है तो रैश तो चले जाता है लेकिन जो नसों का डैमेज है उसकी वजह से उस जगह पे दर्द बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रह जाती है। कई लोगों को तो सिर्फ कपड़े पहनने के लिए भी बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि जब कपड़ा उस एरिया को छूता है तो उससे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। बहुत सारे मेरे मरीज़ों को नहाने में भी तकलीफ़ होती है क्योंकि जब पानी वहाँ पर डलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, और अगर ऐसा दर्द एक लंबे समय तक रह जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी परेशानी है। तो इसकी बाकी ट्रीटमेंट के विकल्पों के बारे में हमने अलग से दूसरे वीडियो में बात किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ क्रायो एबलेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्रायो मतलब फ्रीज करना या ठंडा करना, एबलेशन मतलब डिस्ट्रॉय करना। तो इस प्रोसीजर में हम सुइयों के द्वारा जो नसें इन्वॉल्व है जहाँ पे डैमेज हुआ है उनके ऊपर काम करते हैं। हम उन नसों को -80 डिग्रीज तक फ्रीज कर देते हैं। उसकी वजह से इनके जो काम करने की क्षमता है उसमें कमी आती है, और जब ये कमी आती है तो उसकी वजह से दर्द का निवारण हो जाता है या उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। दर्द जब कम होता है तो उसके साथ ही साथ उस एरिया की सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, और ये एक बहुत ही लाभदायक विकल्प है जिसे हम एक डे केयर प्रोसीजर की तरह करते हैं। इस प्रोसीजर में कोई भी कट्स या इंसिजन्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं, और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मदद से सुइयों को खास जगहों में इन नसों के पास में पहुँचाया जाता है, और फिर एक खास क्रायो एबलेशन मशीन से नसों को फ्रीज किया जाता है। और ये नसें डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं क्योंकि हम टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन उनके काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है। 6-8 महीने बाद ये नसें वापस सामान्य की तरफ जाने लगती हैं, और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दर्द जो जैसा पहले था वैसे ही वापस आए, क्योंकि बहुत बार जब ये रीग्रो करती हैं तो ये नॉर्मल की तरह रीग्रो कर सकती हैं, या अगर दर्द वापस आए भी तो ज़रूरी नहीं है कि उतना ही वापस आए। और मान लीजिए अगर ये दर्द उतना ही वापस आता भी है तो इस प्रोसीजर को आराम से फिर से रिपीट किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि इस प्रोसीजर से काफ़ी लोगों को लाभ होता है और हो सकता है, इसीलिए मुझे लगा कि इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है।